सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए हुए मुझे लगभग 15 से 20 दिन हो चुका है। मैं अभी भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्या मैंने YouTube छोड़ दिया है? अब मैं YouTube पर काम नहीं करूँगा? क्या रीजन है, क्या कुछ है, सब कुछ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चाहने वाले हो, अगर आप मुझे जानते हो, अगर आप मुझसे कभी भी कुछ हेल्प आपको मिला है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुझे इस समय वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मैं पहले जब वीडियो बनाता था ना भाई, आपको मैं बता नहीं सकता था कि मुझे वीडियो बनाने में इतना मज़ा आता है ना। पहले आपको मैं अपने दिल की बातें बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रियल रीज़न बताऊँगा कि किस तरह मैं यूट्यूब छोड़ा एंड क्या कर रहा हूं इस समय, क्या है सब कुछ के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए। एंड पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं पहले वीडियो बनाने में इतना ज्यादा टाइम देता था, मतलब दिन भर मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, क्या करूं, लाइटिंग इधर से अच्छी आ रही है कि नहीं, मतलब अपना सेटअप में अपना वीडियो में दिन भर निकाल देता था भाई। मैं आपको बता देता हूं, आपको भी मैं बताता हूं कि अगर आपको भी ग्रो होना है ना, तो आप डे बाय डे अपना जो भी सेटअप है, जो भी आपका इक्विपमेंट है, आप उसे अपग्रेड करते जाइए। ठीक है, ये नहीं कि भाई इतना बन गया है, भाई इतना में मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप सोच लेते हो, भाई मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना भाई, मैं जल्दी अप्लाई नहीं करता हूँ अपने खुद पर, लेकिन मैं जल्दी अप्लाई करने वाला हूँ। थोड़ा सा दिक्कत है, उसके बारे में बताएंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक ही जगह स्थिर हो जाते हो कि उसके बाद आप ना ही कुछ चेंज करते हो, कुछ भी चेंज ही नहीं करते हो, मतलब अपने लाइफ में कुछ बढ़ते हुए आप दिखाते नहीं हो जब तक अपने व्यूअर को ना, तब तक आपका कुछ ना कुछ कमी ही रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, उससे आपका व्यूज भी डाउन हो जाएगा, उससे आपका बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग से कहना चाहूँगा कि मान के चलिए मेरा ये रूम बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है, मैं कभी भी 24 घंटे में कभी भी मैं वीडियो उठकर बना सकता हूँ। ऐसा पहले मेरे साथ नहीं होता था। ठीक है, पहले मेरे पास लाइट ही नहीं होता था, पहले मेरे पास अच्छा सेटअप में नहीं होता था। ठीक है, तो उस समय कभी भी मैं उठकर वीडियो बना लेता था, बट अभी देखिए मेरे पास सब कुछ है भाई वीडियो बनाने के लिए, मेरे पास A to Z सब कुछ है। ठीक है, कभी भी मैं उठकर वीडियो बना सकता हूँ, कभी भी मैं अपलोड कर सकता हूँ भाई। ऑफ वाईफाई है यार, पहले नेट नहीं था, पहले नेट नहीं होता था ना, तो मैं अपने घर से पैदल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाकर वीडियो अपलोड करता था, वो भी कितने बजे भाई। आप सोचते होगे भाई दिन में जाकर जाते होगे भाई, दिन में अच्छा थोड़ा नेट हो जाता था। ठीक है, बट रात में जैसे 8-9 बजता था ना भाई, नेट बिल्कुल ही नहीं चलता था। ठीक है, तो मैं उस समय रात में 8-9 बजे जाकर वीडियो अपलोड करता था। उस समय मेरा रात में 10 बजे कभी वीडियो आता था, कभी 9 बजे आता था, बट आता था। बट इस समय क्या ही बोलेगा, मेरा सिचुएशन इतना ज़्यादा खराब हो चुका है भाई, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा था। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं, मेरा पहला एग्जाम चल रहा है, दूसरी बात कि मैं अच्छी तरह से अपने यूट्यूब पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात क्यों नहीं फोकस कर पा रहा हूँ, व्यूज नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ ना कि भाई यूट्यूब पर कितना भी व्यूज क्यों ना आने लगे, आपको फोकस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका व्यूज कम आ रहा है ना, तो अगर आप YouTube पर फोकस करने लगते हो, एकदम जहां एक वीडियो डालना चाहिए वहां पर आप 2-3 वीडियो डालने लगते हो, तो आपका व्यूज ऑफ कोर्स रिकवर हो जाएगा। बट मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मुझे टॉपिक ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कोई भी टॉपिक मिल रहा है तो भाई मैं सोच रहा हूं इस पर इतना मतलब मैं लेजी हो गया हूं बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इसको निकलने में मुझे टाइम लगेगा। कब निकलूंगा? एकदम जब फ्री हो जाऊंगा, जब मेरा एग्जाम एंड हो जाएगा तब। ठीक है, मैं ये वीडियो रो रख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत भी जो भी गलती बोला हूँगा भाई, उसे माफ़ कर देना यार, टाइम नहीं है। ठीक है, पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा 12th का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, आज है 20 है ना, हाँ 25 है, एंड मेरा 4 दिन बाद एक और एग्जाम है, एंड उसके बाद 4 एग्जाम बचा है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले मेरा एग्जाम हुआ था, एंड 4 एग्जाम अभी बचा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भाई मैं आपको बता देता हूँ यार, दिन भर में बहुत ही ज़्यादा वीडियो आएगा। मैं बता नहीं सकता कि एक दिन तो भाई गैप हो ही नहीं सकता है, मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है,
भाई उसके लिए क्या जिन्हें क्या नहीं करना पड़े कुछ भी करूंगा, बट भाई डेली दो वीडियो तो आ ही जाएगा। दो वीडियो का मैं बात कर रहा हूँ भाई, दो वीडियो का, समझ रहे हो, दो नहीं तो एक, एक नहीं तो दो, तीन, इस तरह वीडियो आएगा, समझ रहे हो। एंड मैं 15 दिन से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा था इसके बारे में बता रहा हूँ। मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गया था, ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, क्या ही बोले यार, इतना मेरा एक गलती से मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गया, समझ रहे हैं, एक गलती से भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कंपनी ने मुझे वीडियो बनवाया, ठीक है, मुझसे वीडियो बनवाया, मैं वो वीडियो पब्लिक कर दिया, पैसा भी मिल गया, बट मैं आपको बता देता हूँ वो वीडियो कंपनी ने नहीं बोला रिमूव करने के लिए, मुझे पता था कि इस पर आएगा स्ट्राइक, बट मैं भूल गया वीडियो रिमूव करना, ठीक है, बस इसी की वजह से, एक बार पिछली बार इसी की वजह से आया था, ठीक है। क्या ही बोले, उसका भी बात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। मैं वीडियो अनलिस्ट करके छोड़ दिया, ठीक है, वीडियो प्राइवेट करके छोड़ दिया, मैं सोचा कि रात में वीडियो अपलोड कर देंगे, डिलीट कर देंगे। उस समय भाई सुबह उठकर देखा कि उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, भाई मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैं सोचा असकत के मारे अपने, अब क्या बोले, अपने कारण मैं अपने चैनल पर स्ट्राइक मंगा देता हूँ यार। मैं मतलब टाइम लगता है ना डिलीट करने में वीडियो, इसलिए मैं डिलीट नहीं करता हूँ, इसीलिए मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है, समझ रहे हैं, इसीलिए मेरे चैनल पर स्ट्राइक आया था, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया है, एंड इसी की वजह से मेरा 7 डेज अपलोडिंग बंद हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। एंड पिछला जो 7 डेज से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मुझे टॉपिक नहीं मिल पा रहा था यार, इसीलिए नहीं डाल पा रहा था यार, समझ सकते हो। एंड यूट्यूब का टेंशन है, एग्जाम का टेंशन है, घर का टेंशन है, बहुत सारा कुछ है यार। तो बस आप लोग टॉपिक कमेंट कीजिएगा, आप मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, एंड आप लोग मन में कोई भी टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं उस पर भी मतलब बिना सोचे हुए अच्छी तरह से एक प्रॉपर वीडियो बना सकूं, ठीक है, प्लीज़ यार, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपना मन का जो भी टॉपिक है कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।